नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। अभी तक के नतीजों में बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा है, वहीं कई जगहों पर से चौंकाने वाले परिणाम भी सामने आए। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए नगर निकाय चुनाव के नतीजों को बेहद अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में शहर सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। 11 नगर निगमों के नतीजे आ गए हैं। निगमों की बात करें तो भाजपा ने 7 नगर निगमों में कब्जा जमा लिया है। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी के मेयर का चुनाव जीत लिया है। वहीं कांग्रेस ने छिंदवाड़ा, जबलपुर और ग्वालियर सीट पर जीत हासिल की। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर क्षेत्र की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय दिया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, अब मिशन 2023 की बारी है। प्रदेश में 36 नगर पालिकाओं के लिए हुई मतगणना में 31 पर भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। कांग्रेस 4 नगर पालिकाओं पर सिमटी दिख रही है। बालाघाट जिले की वारासिवनी में निर्दलीय सरकार बन रही है। ऐसा पहली बार है जब आम आदमी पार्टी की भी नगरीय निकाय में एंट्री हुई है। मुरैना के पोरसा, डबरा और शाजापुर नगर पालिका में भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। इससे मध्य प्रदेश में थर्ड फ्रंट के तौर पर आपकी एंट्री का रास्ता अब खुल गया है। वहीं 86 नगर परिषदों के परिणामों में से भाजपा ने 67 पर जीत हासिल की। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 10 परिषद ही आए। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय की पहले चरण की मतगणना के बाद स्थिति